मोटोरोला अपकमिंग स्मार्टफोन मोटो G60S आखिरकार लॉन्च हो चुका है दोस्तों। प्राइस के ऊपर आप इंटरेस्टेड होंगे, क्या होने वाले हैं स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स में आपको क्या क्या मिलेगा और हार्डवेयर डिटेल्स आपको क्या क्या दिया जाएगा, चलिए सिर्फ एक मिनट में पता करते हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को आप अंत तक देखें, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं, इस तरह का वीडियो देखने में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जरूर इस वीडियो को भी लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मोटो G60S आखिर दिखेगा किस तरह। स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, वही मोटोरोला वाला डिजाइन आपको इस स्मार्टफोन में भी देखने को मिलेगा। अगर वेट और डायमेंशन की बात करें तो दोस्तों ये सिर्फ 212 ग्राम का होने वाले हैं। डायमेंशन आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा होगा। चलिए आप मूव करते हैं इसके डिस्प्ले के ऊपर। तो यहां आपको एक मैक्स विजन डिस्प्ले दिया जाएगा जो कि 6.8 इंच का होने वाले हैं दोस्तों। यहां आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलने वाले हैं। उसी के साथ-साथ दोस्तों ये जो डिस्प्ले होगा ये FHD प्लस टाइप होने वाले हैं। प्रोसेसर के ऊपर अगर मूव करें तो यहाँ आपको मीडियाटेक हीलियो G95 प्रोसेसर दिया जाएगा। ऑक्टाकोर 12 नैनोमीटर प्रोसेसर है दोस्तों, यहाँ आप गेमिंग और मल्टीटास्किंग इजीली कर पाएंगे। आपको 6GB का रैम देखने को मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स ही आपको एंड्रॉइड 11 का सपोर्टेबिलिटी दिया जाएगा जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इंटरनल स्टोरेज में आपको 128GB का एक वेरियंट देखने को मिलेगा दोस्तों, इसको आप एक्सपेंड कर पाएंगे 1TB तक। अब दोस्तों वो दो पॉइंट जो कि हर स्मार्टफोन में स्पेशली देखा जाता है, बैटरी कैपेसिटी कितने का है, उसी के साथ साथ यहाँ आपको कैमरा सेटअप किस तरह का मिलने वाले हैं। अगर कैमरे के ऊपर मूव करें तो यहां आपको रियर साइड में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा दोस्तों। मेन शूटर 64 मेगापिक्सल के साथ-साथ और तीन सेंसर आपको यहां मिलने वाले हैं, रेस्पेक्टिवली 8, 5 और 2 का सेटअप आपको यहां दिया जाएगा। अगर फ्रंट शूटर की बात करें तो दोस्तों यहां आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो कैमरा है रेक्टेंगुलर मॉड्यूल के अंदर आ रहा है, कैमरा बम्प आपको यहां देखने को मिल रहा होगा। अगर बात करें बैटरी कैपेसिटी की तो यहां दोस्तों आपको 5000 mAh का बैटरी सपोर्टेबिलिटी दिया जाएगा जो कि 50 वॉट टर्बो चार्जिंग के साथ आने वाले हैं। Moto G60S में कनेक्टिविटी फीचर में आपको खास कुछ नहीं मिलने वाला है दोस्तों। यहां आपको USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट दिया जाएगा जो सिम स्लॉट होने वाले हैं, हाइब्रिड होगा दोस्तों। यहां आपको ब्लूटूथ 5 और NFC जैसे फीचर का सपोर्टेबिलिटी मिल रहा है। अगर प्राइस डिटेल्स की बात करें तो दोस्तों ये थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है। फिलहाल ये ब्राजील में लॉन्च हुआ है दोस्तों, ये आपको 31,000 के अंदर ब्राजील में खरीदने को मिलेगा। फिलहाल इंडिया लॉन्च के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया है, अगर आता है तो दोस्तों मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बता दूंगा। तो ये थे दोस्तों मोटोरोला अपकमिंग स्मार्टफोन मोटो G60S के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। होप ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर है तो किसी सोशल प्लेटफॉर्म में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए बहुत हो गया बकबक, वीडियो को अब यहीं पे कंक्लूड करते हैं।